सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सच एज लास्ट ईयर यू लर्न टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन वॉज 30, 60, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, एंड अनदर वॉज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल. These two properties you have seen, that is 30, 60, 90 degree. If the triangle is of 30, 60, 90 degree, suppose this is the triangle, which is the angle, this is suppose 30 degree angle, it is 90 degree angle, this one is of 60 degree angle. Then in 30, 60, 90 degree triangle, the side opposite to 30 degree, the 30 degree ke opposite side, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस. तो ये दो प्रॉपर्टी हमें लास्ट ईयर में पढ़ी थी 30, 60, 90 के बारे में, और 45, 45, 90 डिग्री के ट्रायंगल में if the triangle is of 45 or 45 90 degree, that is these two sides are congruent, ये दोनों साइड congruent रहेंगे, तो यहां साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री एंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू BC, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस. ये दो प्रॉपर्टी हमने, ये दो थ्योरम के बारे में लास्ट ईयर में पढ़े थे. ये प्रॉपर्टी का भी आपको कहीं कहीं यूज करना है. नाउ लेट अस सी 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. नीचे दिए में से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपको आइडेंटिफाई करने का है. वेरी सिंपल, नथिंग इन इट. पहला दिया हुआ है 3, 5, 4, यहां दिया हुआ है. अब यहां आपको क्या करना है, यहां से सबसे बड़ा लार्जर नंबर जो है वो नंबर लेना है, हर एक का स्क्वायर निकालना है. 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, ये तीनों के स्क्वायर आ गए. अब यहां जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर, ये छोटे जो दो नंबर है उनके स्क्वायर के एडिशन इतना है क्या देखना है. दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. दैट इज यू विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो लार्जर नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग टू नंबर के स्क्वायर के इतना आता है. द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स और अदर टू नंबर. जो बचे हुए दो नंबर है उनके स्क्वायर की सम इसकी इतनी आती है, दैट इज. अब यहां दूसरा एक आधा नंबर देख लिया हमने, सपोज 4, 9 और 12 है. 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144. तो यहां देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 81 इज इक्वल टू 97. दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर. 97 और 144 इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे. देयरफोर अब यहां अगर हम देखेंगे तो ये द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर
द स्क्वेयर ऑफ लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। तो ये नहीं है, तो यहाँ ये भी लिखना चाहिए 4, 9, 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वहाँ पीछे भी वैसा लिखना चाहिए आपने कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, देयर फोर 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको इतना ही इसमें देखने का है, जो तीन नंबर दिए वो तीन नंबर में से जो रिमेन बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू स्क्वायर की एडिशन आती होंगी तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं आती होंगी तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अंडरस्टैंड रिमेनिंग कोशिश करो, इफ एनी प्रॉब्लम राइट इन द कमेंट बॉक्स। सेकंड वन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू में आपको डायग्राम दिए, डायग्राम में दिया हुआ है एम एन पी क्यू। इन फिगर एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, एन क्यू सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू एम पी सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी एम क्यू 9 क्यू पी 4 फाइंड एन क्यू। तो हमें अपने सिंपली इंटर एंगल एम एन पी, यहां पहले लिखो इंटर एंगल एम एन पी, एंगल एन इज इक्वल टू और एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। नाउ सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनिस एम पी, ये भी दिया है आपको, हाइपोटेनिस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम हमारी ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के हिसाब से, देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के हिसाब से अगर देखेंगे तो एन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम क्यू इन टू पी क्यू। अब यहां आपको एम क्यू एन क्यू निकालना है, एन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम क्यू 9 पी क्यू 4, दैट इज एन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, देयर फोर एन क्यू इज इक्वल टू 6 बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट by taking square root, that is nq is equal to 6. तो यह आएगा आपका आंसर, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन में भी आपको फिगर दी हुई है, सेम टाइप है लगभग। अब यह आपको दिया हुआ है, इन फिगर क्यू पी आर, ये पी ये भी 90 डिग्री का है, क्यू आर एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, एंड क्यू एम आर एम बिटवीन क्यू एंड आर, पी एम इज इक्वल टू 10, क्यू एम इज इक्वल टू 8, फाइंड क्यू आर, आपको क्यू आर निकालना है। यहां भी सेम वैसा ही है, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, इंटर एंगल पी क्यू आर
इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस हाइपोटेनस QR. देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन by theorem of geometric mean you will get PM square is equal to QM plus MR QM into MR a PM square that is 10 ka square is equal to QM 8 into MR that is 10 ka square 100 in is equal to 8 into MR that is 100 divided by 8 is equal to MR if divided 8 1 the 8 remains to 20, 8 to the 16 remains 8 5 the 40, that is 12.5. Now there we have to find out QR. QR is equal to QM plus MR, QM plus MR, that is QM 8 plus MR 12.5, therefore QR is equal to 20.5 will be the answer. So, आपको जो निकालना है वो देखें, उस हिसाब से कोशिश करें.